हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो अभी सुबह का समय है, मैं नहा के पूजा कर ली हूँ और आप लोगों को पता ही है मैं चाय से मेरा दिन का शुरुआत करती हूँ। सुबह तो मैं पी ली थी लेकिन नहा के पूजा करके फिर से मैं पीती हूँ चाय और उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ खाना, नाश्ता हो या खाना हो उसके बाद ही बनाती हूँ। नहा के पूजा करके चाय पी के फिर से मैं बनाती हूँ खाना वगैरह। तो इधर मेरा जो चाय है बन गया है और मैं और मम्मी जी ही पीते हैं दूध चाय और मेरा हस्बैंड जो है काली चाय पीते हैं, इनकी लाल चाय पीते हैं, हम लोग लाल चाय बोलते हैं। तो चलिए चाय पी लेते हैं, फिर मिलती हूँ। सो गाइस, चाय पी लेने के बाद इधर मैं आ गई हूँ किचन में, फिर से आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो इधर मैं कुंदरी काट के रखी हूँ, हम लोग तो कुंदरी बोलते हैं, कुंदरू शायद बाहर बोलते होंगे, हम लोग कुंदरी बोलते हैं। तो कुंदरी को काट ली हूँ अच्छे से और अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। तो पहले मैं कुंदरी को फ्राई करने बिठा दूँगी, उसके बाद दाल चावल वगैरह जो भी है वो बनाऊँगी। तो पहले मैं कुंदरी को अच्छे से फ्राई करती हूँ और कुंदरी जब मैं फ्राई करती हूँ कुछ भी नहीं डालती हूँ, प्याज मिर्ची हल्दी नमक तेल डालती हूँ बस। सो इधर मैं बिठा दी हूँ कुंदरी और साथ ही साथ उधर मैं सोयाबीन का भी सब्जी बनाऊंगी। तो सोयाबीन थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो के रखी हूँ ताकि सोयाबीन अच्छे से फूल जाए। तो चलिए मैं बना लेती हूँ कुंदरी। सो गाइस, इधर मैं कुंदरी को बिठा दी हूँ और इधर जो प्लास्टिक में कुंदरी है उसको भी मैं साइड करके रख दूंगी और सोयाबीन को मैं इधर पे भिगो दी हूँ। सोयाबीन में गर्म पानी में इसलिए भिगोती हूँ ताकि जो सोयाबीन है अच्छे से जल्दी से फूल जाए, ठंडा पानी में भिगोने से उतना जल्दी नहीं फूलता है। सो गाइस, इधर मैं कुंदरी को बिठा दी हूँ और अभी मैं बनाऊंगी दाल। दाल को भी अच्छे से धो के फिर उसके बाद दाल को भी बिठा दूंगी और आप लोग देख सकते हो मेरा किचन पूरा बिखरा हुआ है खाना वाना बनाने के बाद, फिर मैं किचन को साफ़ करूंगी। तो दाल को भी मैं अच्छे से धो लेती हूँ, दाल में सब कुछ डालते आप लोगों को पता ही है मैं किस तरीके से मैं बनाती हूँ दाल। तो चलिए फिर मैं दाल को बिठा देती हूँ, खाना को बना लेती हूँ, फिर किचन पूरा साफ़ करूँगी। और आज मुझे जो मेरा बेडरूम है, बेडरूम के पास जो अंदर वाला रूम है उसको भी मुझे साफ़ करना है। पूरा कपड़ा मेरा बिखरा हुआ है, पहले मैं खाना बना लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर अंदर वाला रूम को भी साफ़ करना है। तो चलिए बना लेती हूँ। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं खाना बना भी ली हूँ, खा भी ली हूँ और अब मैं इस रूम का सफाई करूँगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो ये रूम कैसा है, तो आप लोग देख के सर में हाथ दो ऐसा है बोलोगे। दिखाती हूँ, काफ़ी दिन हो गया ये रूम को मैं साफ़ की नहीं हूँ, गंदा कुछ नहीं है, कपड़ा बिखरा हुआ है, कपड़ा को सेट करना है। दिखाती हूँ, ये देखिए इधर से लेकर पूरा इधर तक, इधर तक मेरा कपड़ा बिखरा हुआ है। इसे पूरा कपड़ा बिखरा हुआ है, अभी सारा कपड़ा को मैं सेट करूंगी। तो चलिए मैं पूरा कपड़ा को सेट कर लेती हूँ, जो धोने वाला कपड़ा है सेट करूंगी, जो धो के रखी हूँ उसे सेट करूंगी, मिला के रखूंगी। तो चलिए मैं सेट कर लेती हूँ कपड़ा को, मिला के रख लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सभी लोगों से।
सो हे गाइस, इधर मेरा जो रूम है पूरा क्लीन हो गया है और चेयर में जो मैं पोटली बना के रखी हूँ वो धोने वाला कपड़ा है और जो बाकी धोए वाला कपड़ा को मैं अच्छे से सेट करके रखी हूँ बिस्तर में, और कुछ कुछ मेरा सिलाई का भी कपड़ा है। सो ये गाइस, गुड इवनिंग। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप सभी लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।